मैं काम नहीं करती पर थोड़ा बहुत काम अभी मैं करती हूँ ना काम बहुत सारा काम करती है। क्या लेना देना छोटा बड़ा है ना अम्मी, खाना अच्छा बनना चाहिए। जो हमारी अम्मी खाना बहुत लजीज बनाती है। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है ना? तो आज अम्मी बना रही है चने की दाल का भरता, जो हमारा बहुत फेवरेट है, मेरा, मेरे भाई का। मेरा भाई तो फैन है उसका। अच्छा, तो उसकी रेसिपी कैसे है वो अम्मी दिखाएंगी। तो अम्मी ने चने की दाल को बॉईल कर लिया। अम्मी कैसे करा बॉईल ज़रा बताओ। उसने दाल धो के रख दी। हाँ ठीक है। उसमें नमक डाल दिया। हाँ, लाल मिर्ची डाली साबित वाली। ओके। और लहसुन डाला। ठीक है। गरम मसाला डाला साबित। साबित गरम मसाला डाला। ठीक है। और बस इसको उबाल लिया। अच्छा, कितनी सीटी मारी? वो तो आप कुकर पे डिपेंड करता है कि हमारा कुकर थोड़ा पुराना है, पर लेकिन हम लोग सीटियों पे अंदाजा माना, अंदाजन दो सीटी। हाँ, तीन सीटी के बाद में थोड़ी सी सिम कर दोगे, सिम कर दोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अच्छा, तो वो अम्मी ने बॉईल कर ली है और उसको हल्का सा मैश भी कर दिया, तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे मैश किया है। तो ये है वो चने की दाल, ठीक है ना? तो अम्मी ने इसको मैश कर दिया। इसके अंदर आप देख सकती हो, ये अम्मी लाल मिर्च, साबित लाल मिर्च है ना। हाँ, और लहसुन भी डाला था, वो पूरा मैश हो गया। अब इसका अम्मी तड़का तैयार करेंगे। तड़के के लिए अम्मी प्याज काट रही हैं। ये है प्याज। अप्रोक्स कितनी प्याज डाली है इसमें? अगर बड़ी प्याज हो तो एक, ये दो, दो प्याज, दो बड़ी प्याज। अगर छोटी प्याज है तो ये चार, अपने ऊपर। अच्छा, अपने ऊपर डिपेंड करता है किसको प्याज कितना पसंद है, पर हमारे घर में प्याज खूब खाया जाता है। एक किलो प्याज दो तीन दिन में हम लोग खत्म कर देते हैं, हम इतना ज्यादा प्याज खाते हैं। तो ठीक है, आप लोग ये चार प्याज, हमने पांच लिए छोटे छोटे, ये छठा अम्मी ने और डाल दिया, तो यानी कि दो बड़े प्याज आप आराम से डालो। और अब इसका हम तड़का तैयार करेंगे। आज अम्मी का रोज़ा था। अब आप सोच रहे होंगे रमज़ान तो चल नहीं रहे, तो अम्मी का रोज़ा किस लिए? तो अम्मी ने रमज़ान बोले हुए रमज़ान होते हैं, तो अम्मी ने वो रखे थे क्योंकि मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी अभी कुछ दिनों पहले। उनको पैरालाइज का थोड़ा सा वो आया था, माइनर पैरालाइज था, पर लेकिन वो ठीक नहीं थे। और फिर उनकी आई भी बनी है, उनको मोतियाबिंद था। अच्छा, तो ये है मेरी अम्मी, आप लोगों को मैं दिखा दूँ, बहुत देर से बकवास कर रही हूँ। तो मेरी अम्मी बहुत प्यारी है। तो आज इन्होंने रोज़ा रखा था और अब मैं ट्यूशन पढ़ा कर आई। अब ये मैं सोचना मैं काम नहीं करती, पर थोड़ा बहुत काम अभी मैं करती हूँ ना काम। बहुत सारा काम करती है, बहुत सारा काम। चलो अच्छा तड़का बन जाए, मैं आपको दिखा।
अभी आपको दिखाएंगे बनाए, बन गया है हमारा भरता और सब करके दिखाएंगे। पत्ता बहुत कम है क्योंकि आज लॉकडाउन है दिल्ली में और बारिश बहुत हुई है, इतनी ठंड है दिल्ली के अंदर गाइस, बहुत ठंड है। चलें, अम्मी बना दिया है अम्मी ने अच्छे से और अब हम सर्व करेंगे और आपको दिखाएंगे और आप बताना कि कैसा लग रहा है आपको। लो जी भाई, हो गया सर्व। गाजर का तो कह रही हूँ, चने की दाल का भरता, तो कितना अच्छा लग रहा है ना, इसका टेस्ट कितना अच्छा है। गरम गरम परोसे अपने घरों में और ये डालें अम्मी थोड़ी सी पत्तियाँ, जो हमारी पत्तियाँ फेमस गार्निशिंग के लिए, आप पत्तियाँ डाल सकते हैं इसमें, बहुत सुंदर लगेगा। एंड और नींबू भी रख सकते हैं, चटपटा है ना, डाल तो नींबू भी डाल सकते हैं इसको, और हल्का सा नींबू स्क्वीज करके डाल दें इसमें, बस दैट्स इट। तो ये है हमारा चने की दाल का भरता। अब हम वीडियो को एंड कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलेगा। अभी बोल दो कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए कि हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर प्लीज़ अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना और मेरी अम्मी से आप और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज और वीडियोज़ आपको मिलेंगी हमारे चैनल पर। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और कोरोना चल रहा है तो हमारा भाई भी आ गया है, चलो इसको भी ला देते। कहाँ है हमारा बॉडी बिल्डर, वो चिल्लाता रहता है बस और कुछ नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।